Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. आज इस वीडियो में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. हमारा पहला आर्टिकल सी कुकुम्बर्स के इलीगल ट्रेड से रिलेटेड है. हियर वी गोना टॉक अबाउट अ स्पीशी विच इज सी कुकुम्बर. यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं. सी कुकुम्बर इसलिए कह रहे हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ओशंस में मिलता है, सीज में मिलता है, मेरीन ऑर्गेनिज्म है और इसकी शेप कुकुम्बर जैसी है एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सी कुकुम्बर. And in this video, we're going to discuss the sea cucumber's illegal trade. अब context क्या है, हम इस article की बात क्यों कर रहे हैं, पहले इसे भी समझ लेते हैं. तो एक recently एक study conduct की गई है by the Counter Wildlife Tracking Team. Basically, WCS India, which is Wildlife Conservation Society of India, इनकी Counter Wildlife Trafficking Team ने study conduct की. वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को काउंटर करने वाली टीम ने एंड द स्टडी वॉज रिगार्डिंग द इलीगल ट्रेड ऑफ मेरीन स्पीशीज. जो मेरीन स्पीशीज का इलीगल ट्रेड हो रहा है एंड इन दिस स्टडी दे रिकॉर्डेड 187 मीडिया रिपोर्ट्स जिसके अंदर ये देखा गया कि इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने 2015 से लेकर 2021 तक कौन कौन से मेरीन वाइल्ड लाइफ जो स्पीशीज हैं उनको सीज किया है, उनको वो मिले हैं. इस तरीके से ये स्टडी की गई और इस पब्लिकेशन में, इस स्टडी में लाइट शेड की गई कि जो सी कुकुम्बर है इसका बहुत इलीगल ट्रेड हो रहा है. इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स पे सी हॉर्सेस, पाइप फिश, शार्क, रेज, इन सब की काफ़ी इलीगल ट्रैफिकिंग की जा रही है. बट Why are we only talking about sea cucumber? Because this report says that sea cucumber was the most frequently seized marine species. जो investigating agencies पकड़ते हैं, seize करते हैं, तो सबसे ज़्यादा cases sea cucumber के illegal, you know, trade का सामने आता है. जिसमें से कि सबसे ज़्यादा enforcement action, सबसे ज़्यादा seizing जो की गई है That happened in Tamil Nadu, followed by, you know, Maharashtra, Lakshadweep and Karnataka. हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इंडिया में सी कुकुम्बर इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली सीज्ड मेरीन स्पीशी. ठीक है जी. इसके अलावा, सी कुकुम्बर के अलावा और कौन कौन सी स्पीशीज जिनका इलीगल ट्रेड हो रहा है, जिनको सीज किया गया है. वन इज़ सी फैन, सी हॉर्स, पाइप फिश, सी शेल, शार्क, रेज, सी कोरल एंड सी टर्टल्स. ये कुछ और स्पीशीज हैं. नाउ व्हेन वी सी, हम जब सी कुकुम्बर की बात करते हैं, सो एक इसकी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर सी ट्रेड, सी कुकुम्बर का जो ट्रेड है उसे लीगलाइज किया गया है. तो उससे क्या होता है कि इंडिया से सी कुकुम्बर की कंसाइनमेंट्स को स्मगल किया जाता है इनटू दोज कंट्रीज जहां पे इसके ट्रेड को लीगलाइज किया हुआ है. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं सी कुकुम्बर्स की स्मगलिंग होती है, इनको लॉन्डर किया जाता है, दे आर री एक्सपोर्टेड टू साउथ ईस्ट एशियन मार्केट जहाँ पर इसका लीगल ट्रेड किया जाता है. और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे सामने आए हैं जहाँ पर इंडिया से सी कुकुम्बर्स को इलीगली साउथ ईस्ट एशियन के जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भेजा जाता है बिकॉज देयर इन सम कंट्रीज द ट्रेड इज़ लीगलाइज्ड. ठीक है जी. अब क्या मेथडोलॉजी यहाँ पे देखी गई है, तो सी कुकुम्बर का जो ट्रेड है इसको लेकर रिसर्च की गई यूजिंग क्राइम स्क्रिप्ट. द इम्पॉर्टेंट टर्म ओवर इज क्राइम स्क्रिप्ट. क्राइम स्क्रिप्ट को यूज़ करके सी कुकुम्बर ट्रेडिंग को लेकर रिसर्च की गई. देखा गया, समझा गया कि जो पूरा स्मगलिंग नेटवर्क है ये किस तरह ऑपरेट किया जाता है एंड ये पूरी की पूरी क्राइम स्क्रिप्ट प्रिपेयर की गई
जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे, लाइक 122 इंसिडेंट्स इस पर्टिकुलर केस में है, जहाँ पे सी कुकुम्बर का सीज किया गया एंड देखा गया कि हाउ दिस एंटायर थिंग वॉज डन, वॉट वेंट इन टू द प्रिपरेशन ऑफ इट, हाउ डिड बिफोर स्मगलिंग, वॉट वॉज देयर प्री एक्टिविटी, हाउ दे कंडक्टेड दिस एंड वॉट इज द पोस्ट एक्टिविटी फेज ऑफ द स्मगलिंग एज वेल, वो सब एक क्राइम स्क्रिप्ट यहाँ पे तैयार की गई. And the largest volumes were harvested as an incidental catch. जिसे कहते हैं ना अनसेलेक्टिव फिशरी. जब ट्रॉलिंग करते हैं या फिर गिल नेटिंग करते हैं तो जो अगर फिश कैच करने जा रहे हैं तो उसी के साथ साथ इंसिडेंटली सी कुकुम्बर्स को भी कैच किया जाता है एंड दैट इज इन द लार्जेस्ट वॉल्यूम्स. नाउ द हाई नंबर ऑफ सीजर इंसिडेंट्स अलोन डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट दैट देर इज हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम. इट मे बी बिकॉज जो अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जी इसकी इलीगल ट्रेड हो रहा है इसीलिए इतना सीजर हो, ऐसा भी नहीं होता. समटाइम्स द केसेस दैट इन्फोर्समेंट इज़ वेरी इफेक्टिव और देर इज मोर मीडिया इंटरेस्ट इन टू वन पर्टिकुलर स्पीशी, इसीलिए शायद उसको कवरेज दी गई है. तो ये पॉसिबिलिटी भी हमेशा बनी रहती है. ना देखिए यहाँ से हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि हम एक स्पीशी की बात कर रहे हैं. हमसे कोई नहीं पूछेगा कि किस आपने सी कुकुम्बर का अच्छा कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी स्टेट से कौन सी इन्फोर्समेंट एजेंसी ने इसे कैच किया. नो, फॉर आस सी कुकुम्बर एज अ स्पीशी बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो हमें एक तो सी कुकुम्बर की स्पीशी के बारे में पता होना चाहिए, प्लस इसमें एक जो नई टर्म यूज़ की गई है विच इज़ क्राइम स्क्रिप्ट. क्राइम स्क्रिप्ट क्या है उसे भी हम यहाँ पर समझ लेंगे. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सी कुकुम्बर्स. जैसा कि मैंने कहा, जैसे कुकुम्बर का प्लांट होता है खीरा जैसा होता है वैसे ही रिजेंबल करता है, बट मेरीन ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज ऑफ इट्स रिजेंबलेंस टू द कुकुम्बर इट इज़ नेम्ड एज सी कुकुम्बर. अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसे हम कहते हैं दैट दिस ऑर्गेनिज्म इज एन एक्नोडर्म. एक्नोडर्म वो होते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ मेरीन इनवर्टेब्रेट एंड ये एक्नोडर्माटा फाइलम को बिलोंग करते हैं बायोलॉजी. जैसे कि स्टार फिश इस फाइलम में आती है, सी कुकुम्बर आता है, सी ओखिन आता है. सो बेसिकली इट्स अ टर्म विच इज़ यूज्ड इन जूलॉजी, जूलॉजी बायोलॉजी में आप ये टर्म यूज़ करते हैं एक्नोडर्म. नाउ लिटरल शब्दों में अगर देखा जाए सो एक्नोडर्म्स आर दोज एनिमल्स विच हैव अ लेदरी स्किन. उनकी लेदरी स्किन होती है एंड दे काइंड ऑफ हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, जैसे कि सी कुकुम्बर की काफ़ी इलोंगेटेड बॉडी है एंड इट कैन हैव अ सिंगल और द ब्रांच्ड गोनाड. तो इस फैमिली को ये बिलोंग करता है, याद रखेंगे एक्नोडर्म. ठीक है जी. और अपार्ट फ्रॉम दिस मेनली देखा जाता है कि ये सी फ्लोर जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है. मोस्टली इसका नंबर आपको जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ पे मिलेगा. यूजेस क्या है इसके, अरे अब यूजेस होंगे तभी इसको इलीगल ट्रेड किया जा रहा है इसका, या फिर किसी कुछ कुछ कंट्रीज में लीगलाइज किया गया है. वन रीज़न इज दैट इट इज़ यूज्ड इन ह्यूमन कंजम्पशन. कुछ एरियाज में, कुछ कंट्रीज में इसे कंज्यूम किया जाता है, एक्वाकल्चर सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है. वन मोर थिंग इज दैट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेरीन इकोसिस्टम. न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. जो डेट्रिटस होता है उसके ब्रेकडाउन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जो ऑर्गेनिक मैटर है, कोई देखो डेट्रिटस क्या है, वेस्ट डेब्रिस, उनकी ब्रेकिंग डाउन में, उनकी रिसाइकलिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आफ्टर विच द बैक्टीरिया कैन कंटिन्यू द डिकम्पोजिशन प्रोसेस. तो जो भी डेड वेस्ट है, जो भी डेट्रिटस है उसे ये ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज करेगा. सो इट दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मेरीन द रोल इन द मेरीन इकोसिस्टम एज वेल. राइट, क्लियर. सो दिस वॉज अबाउट द सी कुकुम्बर. फिर जो हमने यहाँ पे टर्म यूज की है दैट इज क्राइम स्क्रिप्ट. वॉट इज क्राइम स्क्रिप्ट? क्राइम स्क्रिप्ट इज बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ नैरेटिव जिसमें स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है कि ओके कोई क्राइम अगर हुआ है तो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से प्रोसीजर हुआ, क्या क्या डिसीजन मेकिंग की गई, कौन कौन से इवेंट्स हुए, पर्टिकुलरली यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटी हुई है उसे किस तरह अंजाम दिया गया, स्टेप बाय स्टेप उसे यहाँ पे नरेट किया जाता है. लॉजिकल सीक्वेंस में इवेंट्स को लगाया जाता है एंड यहाँ पे जो ऑब्जर्वर हैं दे मेक देमसेल्फ एज द पार्टिसिपेंट व्यूअर.
For example, the observer will not need to see the firefighters at the burnt house to know where they were. Okay? तो इसे पूरा नरेटिव तैयार करना, इसे कहा जाता है क्राइम स्क्रिप्ट. तो जिस तरह अभी जैसे जैसे जहाँ जहाँ से सीजर की खबरें आई, मीडिया से उन खबरों को पिक करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है यूजिंग क्राइम स्क्रिप्ट. ठीक है, अब कमिंग डाउन टू सम ऑफ द लेट्स एनालाइज दिस टॉपिक. ये तो कॉन्टेक्स्ट था, ये तो फैक्ट था. अब देखो, यहाँ से प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने देख लिया कि सी कुकुम्बर इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन you need to also analyze that what are the impact of such illegal wildlife trade. जब ये illegal wildlife trade होता है तो उसका क्या impact है. सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि we are seeing that there are so many species which are facing extinction, जो कि ख़त्म होने के किनारे पे हैं, क्योंकि demand बढ़ती जा रही है, demand को पूरा करने के लिए illegal wildlife trade चल रहा है. And therefore, there are so many species who are facing the threat of extinction. अब illegal trade है, illegal trade मतलब ये regulate नहीं हो पा रहा है, तो over exploitation हो रही है wildlife resources की. और अगर हमारे wildlife resources की over exploitation होगी तो इससे हमारे ecosystem में imbalance create होगा ही होगा. Illegal wildlife trade एक illegal trade syndicate का हिस्सा है. अब कोई भी economy है, उस इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसे ही अंडरमाइन करता है, इलीगली हो रहा है, एंड इट क्रिएट्स अ सोशल इनसिक्योरिटी एज वेल. एंड ऑल्सो जो वाइल्ड प्लांट्स हैं, जो कि जो क्रॉप्स हैं, जो कि जेनेटिक वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दे आर थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ दिस इलीगल ट्रेड. ओवर एक्सप्लॉइट हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, एक्सटिंक्शन का थ्रेट आ चुका है. सो ओवरऑल द एंटायर वाइल्ड प्लांट्स एंड सच स्पीशीज आर थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ द इलीगल ट्रेड. ओके, अब बहुत बार मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है उन इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस की जो कि स्पेसिफिक स्पीशी के लिए हैं. उनके इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं हमारे पास, बहुत सारे हैं. मैंने मेन यहाँ पे लिए हैं. ऐसा क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि एक तरफ ऑपरेशंस का नाम हो और दूसरी तरफ स्पीशीज का नाम हो, और वो आपको रिलेट करने के लिए कहें कि कौन सा ऑपरेशन कौन सी स्पीशी के लिए है. लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर आप देखेंगे ऑपरेशन सेव कुर्मा, ऑपरेशन सेव कुर्मा दिस इज बेसिकली फोकसिंग ऑन टर्टल्स एंड टॉर्टोइज़ेस. उनकी पोचिंग, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनका इलीगल ट्रेड, इन सब को रोकने के लिए हमारे पास है ऑपरेशन सेव कुर्मा. आज से साल डेढ़ साल पहले काफ़ी ज़्यादा करंट में था. देन वी हैव ऑपरेशन टर्ट शील्ड. यहाँ से तो हम अंदाजा निकाल सकते हैं टर्ट से, दैट दिस इज़ विद टर्टल, कि टर्टल के इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए ऑपरेशन टर्ट शील्ड आया है, तो ये हम पहचान सकते हैं. देन वी हैव ऑपरेशन लेस नो. दिस इज ऑपरेशन लेस नो. ऑपरेशन लेस नो उनके लिए था फॉर दो स्पीशीज जिनका इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है, बट दे आर लेसर नोन स्पीशीज, सो दैट जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी अटेंशन इस तरह की स्पीशीज तक जा पाए जिनका इलीगल ट्रेड तो हो रहा है बट दे आर लेस नोन स्पीशीज, ये याद रखेंगे. अच्छा, एक और रिसेंटली अगेन एक साल पहले हमारे पास ऑपरेशन आया था, ऑपरेशन क्लीन आर्ट. ऑपरेशन क्लीन आर्ट वॉज अबाउट मोंगूज. मोंगूज के जो हेयर है ना, उनको वहाँ पे उसका इलीगल ट्रेड हो रहा था टू मेक हेयर ब्रशेज एंड ऑल दैट. तो उसके लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट आता है मोंगूज को सेव करने के लिए. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड. अब सोच कर देखो ये क्या होगा. ऑपरेशन जो सॉफ्ट गोल्ड है, इसमें जो यू नो शातूश शॉल बनती है, शातूश की जो शॉल है उसमें चीरू वूल यूज़ होती है, और जिसके चलते इलीगल ट्रेड होता है अमंग द वीवर्स, अमंग द ट्रेडर्स हु आर एंगेज्ड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड. तो इसके लिए ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड आया. फिर ऑपरेशन बीरबल है हमारे पास, इसमें वाइल्ड कैट और जो वाइल्ड बर्ड स्पीशीज हैं इनके इलीगल ट्रेड को कर्ब करने के लिए ऑपरेशन बीरबल है. देन वी हैव ऑपरेशन वाइल्ड नेट.
ऑपरेशन वाइल्ड नाइट में बेसिकली इन्फोर्समेंट एजेंसीज की अटेंशन उन एरियाज़ में दी गई है जहाँ पे यू नो इंटरनेट के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके जो इलीगल ट्रेड है उसे बढ़ाया जा रहा है. सो फॉर द यू नो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसे कर्ब करने के लिए ऑपरेशन वाइल्ड नेट है. एंड देन वी हैव ऑपरेशन फ्री फ्लाई, दिस इज़ फॉर द इलीगल ट्रेड ऑफ द लाइव बर्ड्स. Operation Wet Mark, this is for the prohibition of sale of meat of wild animals in the wet markets. तो उसके लिए wet markets में wild animals का जो trade है, sale है, वो ना हो, उसके लिए Operation Wet Mark है. अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि specific species के लिए हमारे पास operations launch होते हैं. Prelims point of view से तो important हो ही गया. Another thing, जिस perspective में I want कि आप सोचें, सिर्फ इस टॉपिक को हम एनवायरनमेंट के प्रस्पेक्टिव से नहीं देखेंगे. वी ऑल्सो टॉक अबाउट द लीगल फ्रेमवर्क दैट इज़ प्रेजेंट इन इंडिया फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन टॉपिक वाइज हम इसे GS पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जोड़ देते हैं, बट अल्टीमेटली जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं उसकी शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन से होती है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इस एक्ट में हमारे पास यू नो जो फॉरेस्ट हैं एंड जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, दे वर ट्रांसफर टू स्टेट, यू नो फ्रॉम स्टेट टू द कॉन्करेंट लिस्ट. पहले ये स्टेट का पार्ट था कि फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, अभी कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया. स्टेट भी काम कर सकती है, सेंटर भी करेगी. देन वी हैव आर्टिकल 51A क्लॉज जी, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड्स आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी. एंड देन इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एज अ DPSP, आर्टिकल 48A. DPSP में भी ये प्रोविजन है जिसमें कहा गया है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो कंट्री का एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रोटेक्ट करें, इन सबको इम्प्रूव करें. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स भी आपको पता होने चाहिए. जस्ट थिंक अबाउट इट, राइटिंग एन आंसर ऑफ एनवायरनमेंट वे टॉकिंग अबाउट सच काइंड ऑफ अ टॉपिक, इफ यू विल मेंशन सच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स देयर, दैट इज़ अ गुड वैल्यू एडिशन टू योर आंसर. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपने एनवायरनमेंट की क्लासेस में बाकी लीगल फ्रेमवर्क को तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. यू रीड अबाउट WPA एक्ट, यू नो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, EPA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. इनकी बात मैं इस वीडियो में नहीं करूँगी. इट इज़ जस्ट दैट आई वॉन्ट टू मेक अ पिक्चर इन योर माइंड कि वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड, इन सबको रोकने के लिए क्या लीगल फ्रेमवर्क्स हैं या नहीं. सो वी कैन सी क्लियरली देयर आर. आप इन्हें अपनी इन्वायरमेंट की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, इनका ख्याल रखिएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, वी हैव ऑल्सो सम कोलैबोरेशंस विद द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स एज वेल. हम साइट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, विच इज़ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फौरा. वी हैव CMS, which is the convention about the conservation of migratory species of wild animals. We have CBD, we have World Heritage Convention, Ramsar Convention, TRAFFIC, UNWF, IWC. इन सब के बारे में आप अपनी environment की classes में पढ़ेंगे और ये सब conservation efforts की तरफ काम करती हैं, ताकि जिनमें ये illegal trade को रोकना भी included है. Okay, lastly, ये जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, दिस वॉज बाय वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी. ये क्या है? तो ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी है, ये एक NGO है. NGO मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. एंड दिस NGO इज़ फाउंडेड इन 1895 एज द न्यूयॉर्क जूलॉजिकल सोसाइटी. इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. न्यूयॉर्क में जू है, विच इज़ ब्रॉन्क्स जू, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है. And the aim is to conserve the world's largest wild places in 14 priority regions. 14 priority regions banaye gaye hain. These regions have the largest wild places. In sab ko conserve karna. Okay. So, is article khatam karte hain. Understand this, that when it comes to countering, you know, marine wildlife trade, to isme jo fishery management hai, iske pure paradigm mein change lekar aana hoga.
क्योंकि सबसे पहले वो जो कैप्चर कर रहे हैं उस कैप्चर को रिड्यूस करना होगा. सो फॉर दिस ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, द नेशनल गवर्नमेंट्स अलोंग विद द सिविल सोसाइटी, दे शुड वर्क टू ब्रिंग यू नो सच कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस इन द कंजर्वेशन ऑफ मेरीन स्पीशीज एंड टू प्रोहिबिट द इलीगल ट्रेड. राइट, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इसलिए लगाया बिकॉज आप देख सकते हैं कि इलीगल ट्रेड को लेकर इसकी इसे रोकने के लिए हमारे पास ट्रैफिक है, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, इसे लेकर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. तो इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, आप उनके बारे में अपनी इन्वायरमेंट की क्लासरूम डिस्कशंस में उनको कवर करेंगे. सो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा. ओके, मूविंग अहेड, हमारा जो अगला आर्टिकल है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. Here we're going to talk about semiconductors. Very, very, very important topic because when we talk about semiconductors, so the emphasis is on the need for India to build this semiconductor manufacturing capacity. इंडिया की जो खुद की डिमांड है, जो ऑर्गेनिक डिमांड है, इसे कैटर करने के लिए इंडिया को अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर. India can face competition from the regions like US and Europe because they had the huge dependence on Taiwan, because Taiwan is world's largest semiconductor country. Okay, तो इस context में हम semiconductors को discuss करते हैं, detail में देखते हैं what are semiconductors. मतलब से शुरू करते हैं, semiconductor क्या है. So semiconductor is a material जो कि मेनली सिलिकॉन का बना होता है एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी मोर देन एन इंसुलेटर, जैसे कि ग्लास उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बट इट इज़ लेस देन अ प्योर कंडक्टर. इंसुलेटर से ज़्यादा, कंडक्टर से कम. जैसे हमारे पास कंडक्टर्स कौन होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, दीज आर कंडक्टर्स जो कि ज़्यादा पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं. इंसुलेटर से ज़्यादा, कंडक्टर से कम, इसीलिए नाम दे दिया गया सेमीकंडक्टर. बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट में यूज़ होता है सेमीकंडक्टर्स, स्पेशली जितनी भी हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इन सब में सेमीकंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है. अब इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है. सबसे पहले इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की जो कंजम्पशन है, बाय 2026 इट इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस $80 billion एंड बाय 2030 इट कैन गो टू $110 billion. तो इंडिया की खुद की ऑर्गेनिक डिमांड आप देखें एंड ऑल्सो इंडिया हैज एक्सेप्शनल सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट पूल. 20% ऑफ द वर्ल्ड्स सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स दे आर प्रेजेंट इन इंडिया एंड दिस करंट डिकेड, इन दिस डिकेड इंडिया हैज दिस यूनिक अपॉर्चुनिटी यू नो इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स बिकॉज राइट नाउ द कंपनीज दे आर ट्राइंग टू यू नो दे आर लुकिंग फॉर दे टू डाइवर्सिफाई देयर सप्लाई चेन फॉर ऑल्टरनेटिव फॉर देयर बेसिस इन चाइना. तो अगर इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की वैल्यू चेन की एस्टैब्लिशमेंट होती है, सो इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमी. सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग बेस दीज आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन ईस्ट एशिया और हमारे जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इट इवन प्रोवाइड्स इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद देम एंड टू स्ट्रेंथन द टाइज विद द की प्लेयर्स इन दैट रीजन. So that is why it's an open opportunity right now for India. But India की जो semiconductor industry है, it is also having some challenges. जैसे कि पहली चीज़ तो क्या है कि investment की requirement बहुत है. It's a multi-billion of dollars are needed to set up a manufacturing unit for semiconductors. Raw water को water में convert करना, especially to the ultra high purity, this is very important, but this is very costly. So it needs a huge amount of investment. Plus,
जब भी सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो बहुत लार्ज अमाउंट्स में वाटर यूज़ होता है, एंड बेसिकली जो वाटर है उसे कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं. जो जो इक्विपमेंट होता है ना, उसकी कूलिंग के लिए वाटर को यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपको चाहिए. टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिटिवनेस भी है, हमें इस तरह के सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी होंगी जिनमें टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी हों, अच्छी हो, बेहतर हो, ताकि हम पहले से एस्टैब्लिश्ड यूनिट से उनको कंपटीशन दे सकें. देयर इज वन मोर चैलेंज ऑफ इनएडिक्वेट लॉजिस्टिक्स एंड एब्सेंस ऑफ प्रॉपर वेस्ट. इंडिया में एक तो लॉजिस्टिक्स थोड़े इनएडिक्वेट है, और दूसरा वेस्ट डिस्पोजल जो है वो अभी सेमीकंडक्टर्स को लेकर अभी उतना अच्छी स्टेट में नहीं है. इट्स इन द पुअर स्टेट ऑफ इट्स प्रोडक्शन. एंड देन देर इज यू नो अनइंटरप्टेड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज, उसकी ज़रूरत पड़ेगी. ये एक मसला है. COVID-19 वॉज अ ट्रिगर पॉइंट. COVID-19 की शुरुआत में जब लॉकडाउन होता है तो जितनी भी चिप मेकिंग फैसिलिटीज़ थी जापान में, साउथ कोरिया में, चाइना में, US में, वो सब शट डाउन हो गए. एंड इस चिप शॉर्टेज के बाद जो ऑटो मेकर्स हैं उन्हें बहुत रेवेन्यू लॉस हुआ, और इस आग में घी डाला रशिया यूक्रेन वॉर ने. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो रॉ मटेरियल्स की सप्लाई चाहिए थी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में, जो कि चिप मेकिंग के लिए चाहिए, वो यहाँ पे ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई. ये कुछ चैलेंजेस हैं व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री. इंडिया ने भी इस फील्ड में इनिशिएटिव्स लिए हैं. लाइक वी हैव सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, जिसमें हम 10 बिलियन डॉलर्स की फिस्कल सपोर्ट देते हैं, नॉन फिस्कल मेजर्स दे रहे हैं. बेसिकली इंडिया में जो कंपनीज हैं उनको अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स दिए जाएं, सपोर्ट दिए जाएं. यू नो दोज हु आर एंगेज्ड इन सिलिकॉन एंड सेमीकंडक्टर फैब्स एंड यू नो डिस्प्ले फैब्स, उन सबको बूस्ट दिया जा रहा है. वी हैव इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि एक यू नो इट हैज सेट अप द इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन विद इन द डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, ताकि इंडिया के जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ हैं टू डेवलप द सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, वो सब यहाँ पे पूरी हो सकें. वी हैव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स एज वेल, राइट? सो गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दीज स्कीम्स आल्सो. तो रिसेंटली भी कैबिनेट ने एक आउटले अप्रूव किया था ऑफ 76,000 करोड़, जो कि 6 ईयर्स के पीरियड में स्प्रेड किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स ओनली. And it is said that this will attract around 1.7 lakh crore of private investment in India. So, India must seize this opportunity, and India should become an attractive alternate destination for semiconductor manufacturing. So it's like, this is way ahead of conceptualizing a semicon diplomacy action plan. It's a semiconductor diplomacy. And semiconductor diplomacy is very important to India's Act East policy as well, which basically aims to build resilient ties with the Asia-Pacific region. हमारे कितने multilateral, bilateral cooperations जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, Quad हम इसे use कर सकते हैं. We have an immense potential in this region. We need development of policies, semiconductor value chain. This is you know interrelated and linked with other industries also. So government must develop a policy that will address all the crucial characteristics in long run. Government policies also focus on assuring and securing the access to the foreign technology suppliers through trade and foreign policy to ensure the global level cooperation or collaboration. So this was about the semiconductors. Now that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच.